आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंड्रॉयड फोन्स में कैसे पोर्ट को फॉरवर्ड करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि एंड्रॉयड के लोकल वेब सर्वर जैसे ए वेब सर्वर ऐप, अपाचे, इंजन एक्स, पीएचपी वेब सर्वर, मारियाडीबी, माइस्क्वेल एंड अदर्स वेब सर्वर को कैसे वाइड एरिया नेटवर्क में एक्सेस करते हैं। इससे पहले थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों हमें पोर्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मैं ए वेब सर्वर ऐप ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा रन कर रहा है पोर्ट 8080 पर। यहाँ से इसकी सर्विस को स्टार्ट कर लेता हूँ। देन इस लिंक को ब्राउज़र से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोई सा वेब पेज ओपन कर लेता हूँ। सारे HTML पेज मेरे एंड्रॉयड के लोकल वेब सर्वर पे है। इसके बाद मैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस का वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन कर लेता हूँ। देन इसके बाद मैं PC से कनेक्ट कर लेता हूँ। अपने एंड्रॉयड डिवाइस का IP चेक कर लेता हूँ। IP चेक करने के लिए मैं टॉमेक्स ऐप को ओपन करके उसमें कमांड देता हूँ ifconfig। तो मेरा गेटवे IP हो गया PC के लिए। अब इस IP को मैं ओपन करता हूँ अपने PC के ब्राउज़र से पोर्ट 8080 के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मेरे एंड्रॉयड के वेब सर्वर पे HTML पेज थे वह सब मेरे PC के ब्राउज़र से भी ओपन हो रहे हैं, बट ये लोकल एरिया नेटवर्क में हो रहा है। मतलब जो मेरे एंड्रॉयड डिवाइस के वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट होगा वही मेरे एंड्रॉयड के वेब सर्वर के HTML पेज को एक्सेस कर सकता है, बट जो मेरे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा वो नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम पोर्ट फॉरवर्ड करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के लिए। तो अब देखते हैं कि पोर्ट फॉरवर्ड कैसे करते हैं। पोर्ट को फॉरवर्ड करने के लिए मैं दो सर्विसेज का यूज़ करूँगा, एक portmap.io एंड दूसरा ngrok। तो पहले हम portmap.io के लिए देख लेते हैं कि उससे हम पोर्ट को कैसे फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ से मैं ब्राउज़र ओपन करके portmap.io की वेबसाइट पर चला जाता हूँ। यहाँ पे आपको पहला लिंक दिख रहा होगा portmap.io को, उसको क्लिक करें। साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहले हमें रजिस्टर करना होगा इस वेबसाइट में। यहाँ पर लॉगिन में यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, देन कंफर्म पासवर्ड, देन आई एग्री पे क्लिक करके कैप्चा वेरीफाई कर देना है। उसके बाद रजिस्टर कर देना है। यहाँ पे आपकी ईमेल पे एक मेल आएगा अकाउंट वेरिफिकेशन का, उसको वेरीफाई कर ले इस लिंक पे क्लिक करके। तो ये सब मैंने पहले से करके रखा हुआ है, मैं बस लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करना होगा। ऊपर राइट साइड में 3 बार पे क्लिक करेंगे, देन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे क्रिएट न्यू कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टाइप में UDP या TCP आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं UDP कर लेता हूँ। बाकी सब ऐसे ही रहने देंगे, देन जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो गया। अब यहाँ फिर से ऊपर राइट साइड में 3 बार पे क्लिक करेंगे, देन मैपिंग रूल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्रिएट न्यू रूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोटोकॉल पे सिलेक्ट करेंगे HTTP, क्योंकि मैं HTTP प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ से पोर्ट ऑन योर PC में पोर्ट 8080 में दे दूंगा, क्योंकि मैंने ए वेब सर्वर ऐप में पोर्ट 8080 सेट किया हुआ है। यहाँ पे और भी आप प्रोटोकॉल में जाके अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी प्रोटोकॉल सेट कर सकते हैं जिसको आपने फॉरवर्ड करना है, बट यहाँ पे HTTPS पोर्ट प्रीमियम मेंबर के लिए है। फ्री वाले प्रोटोकॉल में HTTP आएगा, UDP एंड TCP भी आएगा, बट TCP प्रोटोकॉल के लिए कई सारे पोर्ट नंबर प्रीमियम मेंबर के लिए होते हैं, जैसे पोर्ट नंबर 4444। यह पोर्ट आप तब सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप प्रीमियम यूज़र हो। अब यहाँ से हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से कॉन्फ़िग के राइट साइड में फर्स्ट लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से OVPN का कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड कर लेंगे। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया इसको। तो ये डाउनलोड होकर चला गया मेरा फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज का डाउनलोड फोल्डर में। ये OpenVPN का कॉन्फ़िगरेशन फाइल अभी टेक्स्ट फॉर्मेट में है, इसे मैं OVPN फाइल फॉर्मेट में चेंज कर लेता हूँ। तो इस फाइल को मैं रीनेम कर देता हूँ। यहाँ से .txt हटा देंगे एंड फर्स्ट के आगे जो डॉट है उसको भी हटा देंगे। तो ये मैंने चेंज कर लिया। यहाँ से मैं OVPN ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर ले, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट करना होगा जहाँ भी आपने OVPN का फाइल रखा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ सेट कर लेता हूँ। यह मेरा था डाउनलोड फोल्डर में। इस OVPN वाले फाइल पे क्लिक करेंगे, देन इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से ऊपर ऐड पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ से स्टॉक वाले बटन पे क्लिक करके कनेक्ट कर देंगे। तो ये मेरा पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टेड दिखा रहा है। अब यहाँ से मैं अपने लोकल वेब सर्वर को भी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं ओपन करता हूँ ए वेब सर्वर ऐप एंड यहाँ से इसके सर्विस को स्टार्ट कर देता हूँ। फिर से मैं portmap.io के वेबसाइट पर जाता हूँ, देन वहाँ से मैपिंग रूल पर जाता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रूल के राइट साइड में एक लिंक, इसी लिंक से हम अपने लोकल वेब सर्वर को कहीं से भी वाइड एरिया नेटवर्क में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं इस लिंक को क्लिक करके ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी मेरे लोकल वेब सर्वर में HTML फाइल थे सब यहाँ शो कर रहे हैं। इस सर्वर को मैं अपने दूसरे डिवाइस से एक्सेस करके दिखाता हूँ। इस URL को मैं अपने दूसरे डिवाइस में सेंड कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं अपने दूसरे डिवाइस के ब्राउज़र को ओपन करता हूँ एंड इस URL को पेस्ट करके ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने पहले डिवाइस के लोकल वेब सर्वर को दूसरे डिवाइस के ब्राउज़र से एक्सेस कर पा रहा हूँ बिना वाईफाई कनेक्ट किए हुए, किसी और नेटवर्क से एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो इस लोकल वेब सर्वर को वाइड एरिया नेटवर्क से नहीं एक्सेस कर पाएंगे। इसमें मैंने किया ये है कि अपने लोकल वेब सर्वर के IP एंड पोर्ट को portmap.io के IP एंड पोर्ट पर फॉरवर्ड कर दिया एंड इस portmap.io के IP एंड पोर्ट से हम इंटरनेट पे कहीं से भी अपने लोकल वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं एंड इससे कई सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं इस URL की मदद से। अब मैं दिखाता हूँ कि PHP के वेब सर्वर को किसी अन्य डिवाइस के वेब ब्राउज़र से कैसे एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ए वेब सर्वर ऐप के सर्विस को स्टॉप कर देता हूँ। तो ये मेरा सर्विस स्टॉप हो चुका है। यहाँ से अब मैं टर्मेक्स ऐप को ओपन करके PHP के वेब सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरा एक प्रोग्राम बना हुआ है PHP में hello.php से, यहाँ आप देख सकते हैं इसी को मैं रन करूँगा PHP के वेब सर्वर से। PHP के प्रोग्राम को रन करने के लिए आपके टर्मेक्स में PHP इंस्टॉल होना चाहिए। PHP के वेब सर्वर को स्टार्ट करता हूँ तो उसके लिए हम कमांड ले आएंगे php -S लोकल होस्ट का IP : पोर्ट नंबर 8080 एंड फाइल का नाम। पोर्ट 8080 इसलिए मैंने यहाँ दिया है क्योंकि मैंने इसी के लिए पोर्ट फॉरवर्ड किया है एंड लास्ट में फाइल का नाम दे देंगे hello.php। तो यह मेरा PHP का वेब सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ब्राउज़र को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। इस वाले लोकल होस्ट के IP से मेरा PHP का वेब सर्वर स्टार्ट नहीं होगा, उसके लिए हमें IP में देना होगा localhost:8080 या 0.0.0.0.8080। तो यहाँ से PHP के वेब सर्वर को पहले मैं स्टॉप कर लेता हूँ Ctrl+C से। फिर से मैं PHP के वेब सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ। इस बार मैं देता हूँ php-S 0.0.0.0:8080 एंड फाइल का नाम। ये मेरा PHP का वेब सर्वर स्टार्ट हो चुका है। फिर से मैं अपने दूसरे डिवाइस के ब्राउज़र के पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा PHP का प्रोग्राम मेरे दूसरे डिवाइस के ब्राउज़र से रन हो रहा है किसी और नेटवर्क पर। तो इसी तरह से हम अपने अन्य लोकल वेब सर्वर के पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं portmap.io से, बट portmap.io में एक बार में एक ही पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड ये स्टैटिक पोर्ट होता है। पोर्ट को चेंज करने के लिए आपको इसमें बार बार कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा एंड रूल मैपिंग क्रिएट करना होगा। अगर आप इसका प्रीमियम प्लान लेते हैं तो एक बार में कई सारे पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ngdoc की मदद से कैसे पोर्ट को फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ से ब्राउज़र ओपन करके मैं ngdoc के वेबसाइट पर चला जाता हूँ। यहाँ टाइप करता हूँ ngdoc, इस पहले वाले लिंक को क्लिक करता हूँ। यहाँ गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको साइनअप करना पड़ेगा। साइनअप करने के लिए नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, फिर कैप्चा वेरीफाई करके साइनअप बटन पर क्लिक कर देना है। इससे आपका अकाउंट एक बार में क्रिएट हो जाएगा बिना किसी वेरीफिकेशन के। यहाँ से आप साइनअप विथ गेटहब एंड साइनअप विथ गूगल इससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पहले से ही अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ से हमें डाउनलोड करना पड़ेगा ngdoc का zip फाइल। तो एंड्रॉयड के लिए लिनक्स फॉर आर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ ऊपर डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यह डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये करीबन 12.49 MB का zip फाइल है। ये मेरा डाउनलोड हो गया है कम्प्लीट। ये मेरा डाउनलोड होकर चला गया है मेरे इंटरनल स्टोरेज के डाउनलोड फोल्डर में। यहाँ से मैं फाइल मैनेजर ओपन कर लेता हूँ, देन इसके बाद डाउनलोड फोल्डर। इस ngdoc के zip फाइल को मैं अनजिप कर लेता हूँ यहीं से। इसको आप टर्मेक्स से भी अनजिप कर सकते हैं अनजिप कमांड से।
ये मेरा अनजिप हो चुका है एनजी रॉक का फाइल, यहाँ पे देख सकते हैं एनजी रॉक। इसे मैं एनजी रॉक के फोल्डर से हटा के डाउनलोड फोल्डर में मूव कर दे रहा हूँ। ये एनजी रॉक मेरा डाउनलोड फोल्डर में आ चुका है। अब यहाँ से हम टॉमेक्स ऐप को ओपन करते हैं। अब उस एनजी रॉक के फाइल को मैं टॉमेक्स के होम डायरेक्टरी में मूव कर लेता हूँ। तो उसके लिए हम कमांड देंगे एमवी देन एनजी रॉक का पाथ लोकेशन। तो ये मेरा था इंटरनल स्टोरेज के डाउनलोड फोल्डर के अंदर, तो मैं इसको लिख देता हूँ /sd-card/download/ngrock देन स्पेस देके डॉलर सिंबल देन कैपिटल में होम लिख देंगे एंड इंटर। ये मेरा टर्मस के होम डायरेक्टरी में आ चुका है। अब इस ngrock के फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना पड़ेगा, तो उसके लिए कमांड देंगे chmod+x स्पेस देके ngrock देन इंटर। अब हम ngrock को एग्जीक्यूट कर सकते हैं .forward/ से, बट ngrock के फाइल को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें इसमें ऑथर टोकन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ फिर से मैं ngrock के वेबसाइट पे आ जा रहा हूँ। यहाँ आपको नीचे देखने को मिलेगा ngrock का ऑथर टोकन, यहाँ इसे आपको .forward/ से लेके ऑथर टोकन तक पूरा कॉपी करना है एंड इसको टर्मस में जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैं दे देता हूँ .forward/ngrock and ऑथर टोकन। तो ये मेरा टोकन ऐड हो गया है। अब यहाँ से हम पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। पोर्ट फॉरवर्ड करने के लिए .forward/ngrock स्पेस देके प्रोटोकॉल HTTP या TCP देन स्पेस देके पोर्ट नंबर। बट यहाँ पोर्ट फॉरवर्ड करने से पहले अपने एंड्रॉयड डिवाइस का वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये कनेक्ट ही नहीं होगा, ऑफलाइन दिखाएगा। तो यहाँ से मैं अपने हॉटस्पॉट को ऑन कर लेता हूँ। अब मैं पोर्ट 8080 को फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं कमांड देता हूँ .forward/ngrock /http/port-8080 एंड इंटर। सेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे सेशन स्टेटस देख सकते हैं, ऑनलाइन दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे दो फॉरवर्डिंग लिंक दिखा रहा है, एक HTTP है और दूसरा HTTPS। आप चाहे तो इन दोनों में से कोई सा भी लिंक यूज करके अपने वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। HTTPS में आपका सिक्योर सॉकेट लेयर से डेटा पास होते जाता है। जो भी डेटा पैकेट के फॉर्म में होते हैं वो सब सिक्योर सॉकेट लेयर से पास होके जाएंगे। तो यहाँ से HTTPS से लेके मैं .io तक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं अपने लोकल वेब सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ एंड आप इस लिंक को अपने ब्राउजर से ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने लोकल वेब सर्वर को आउट ऑफ लाइन भी एक्सेस कर पा रहा हूँ इस ngrock के फॉरवर्डिंग लिंक के थ्रू। मैं इस लिंक को अपने दूसरे डिवाइस के ब्राउजर से ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ से इस लिंक को कॉपी करके अपने दूसरे डिवाइस में मैं शेयर कर देता हूँ। अब इस लिंक को मैं अपने दूसरे डिवाइस के ब्राउजर से ओपन करता हूँ। तो ये मेरा लोकल वेब सर्वर से कनेक्ट हो गया। अब मैं अपने लोकल वेब सर्वर को इस डिवाइस से भी एक्सेस कर सकता हूँ या किसी और डिवाइस से भी और कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। ngrock में भी आप एक बार में एक ही पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। मल्टीपल पोर्ट के लिए आपको इसका प्लान खरीदना पड़ेगा जो कि इसकी वेबसाइट पर दिया हुआ है एंड ये डायनामिक पोर्ट होता है। जब जब आप पोर्ट फॉरवर्ड करेंगे तो ngrock का पोर्ट नंबर चेंज होते रहेगा। तो इसी तरह से आप अपने एंड्रॉयड में लोकल होस्ट के लिए पोर्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं portmap.io एंड ngrock से। इसी दो मेथड से आप विंडोज या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे portmap.io एंड ngrock के बीच डिफरेंस भी आपको पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला डिफरेंस यही है कि portmap.io एक स्टैटिक पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, ngrock डायनामिक पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विस को प्रोवाइड करता है। portmap.io की सर्विस को स्टार्ट स्टॉप देन स्टार्ट करते हैं तो इसमें इसका एड्रेस चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है। वहीं ngrock के सर्विस को स्टार्ट करके स्टॉप करते हैं देन फिर से स्टार्ट करते हैं तो उसमें एड्रेस चेंज हो जाता है। दूसरा portmap.io GUI बेस्ड है, इसमें हमें सर्विस को स्टार्ट करने के लिए बस टॉगल बटन को स्टार्ट स्टॉप करना रहता है। एंड ngrock CLI बेस्ड हो गया, इसमें टर्मिनल पे कमांड रन करके इसे सर्विस को स्टार्ट या स्टॉप किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप इसकी सर्विस को एंड्रॉयड में स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन होना जरूरी है, नहीं तो इसका सर्विस स्टार्ट होने के बाद भी स्टेटस ऑफलाइन दिखाएगा। portmap.io के सर्विस को यूज में लेने के लिए हमें इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है OVPN ऐप को। ngrock के सर्विस को यूज में लेने के लिए हमें MS ऐप या किसी भी एंड्रॉयड टर्मिनल एम्युलेटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा। portmap.io में हम HTTP प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं
TCP एंड UDP प्रोटोकॉल के पोर्ट को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट TCP एंड UDP में कुछ सिलेक्टिव पोर्ट प्रीमियम मेंबर के लिए होते हैं एंड HTTPS प्रोटोकॉल भी इसमें प्रीमियम यूजर के लिए होते हैं। NGROC में हम HTTP एंड TCP प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें हम HTTP प्रोटोकॉल या TCP प्रोटोकॉल के लिए कोई सा ही पोर्ट नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं बिना इसके प्लान को अपग्रेड करे बगैर, बट इसमें TLS के पोर्ट नंबर को फॉरवर्ड करने के लिए हमें इसका प्लान अपग्रेड करना होगा। TLS प्रोटोकॉल हो गया आपका ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। map.io सिक्योर टनल प्रोवाइड नहीं करता लोकल होस्ट के वेब सर्वर के लिए, मतलब लोकल होस्ट के वेब सर्वर का प्रोटोकॉल HTTP है तो वो पोर्ट फॉरवर्ड करने के बाद भी HTTP ही रहेगा। HTTP प्रोटोकॉल अनसिक्योर्ड रहता है, इसमें आपका MIT मैन इन द मिडल अटैक, DNS स्पूफिंग, स्निफिंग, पैकेट कैप्चरिंग एंड और भी कई तरह के अटैक्स को परफॉर्म किया जा सकता है। एंड HTTP प्रोटोकॉल आपका एप्लीकेशन लेयर से ऑपरेट होता है जो कि टॉप लेयर होता है OSI मॉडल का, एंड ये 7वें लेयर में आता है। अपने नेटवर्किंग में OSI मॉडल के बारे में पढ़ा होगा तो इसके बारे में आपको पता होगा। मे बी आप पोर्ट map.io का प्लान लेते हैं तो ये SSL प्रोवाइड करेगा आपके लोकल होस्ट के वेब सर्वर के लिए। NGROC आपका सिक्योर इंट्रोस्पेक्टिवल टनल प्रोवाइड करता है लोकल होस्ट के वेब सर्वर के लिए जो कि सिक्योर रहता है। इसमें हम HTTP प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट फॉरवर्ड करते हैं, देन ये HTTP एंड HTTPS दोनों प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट फॉरवर्ड करता है। इसमें जो भी रिक्वेस्ट सेंट और रिसीव होंगे सर्वर एंड क्लाइंट के बीच वह सब सिक्योर टनल से पास होकर जाएंगे एंड सिक्योर टनल इनक्रिप्ट रहता है तो इसमें अटैक के चांस बहुत कम रहते हैं। तो ये थे इससे कुछ डिफरेंस। और भी आप NGROC एंड portmap.io के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, उसके सर्विसेज एंड प्लान के बारे में जाकर पता कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विस को ले सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, एंड और भी नेटवर्किंग से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट वीडियोज लाने वाला हूँ।